ना लोकेशन कर लेना सर। पुलिस जो है ये मौका पर पहुंच चुकी है और सड़क को जो है अंदर आप के खोलने के लिए उनकी कोशिश है। जिन लोगों ने एहतियात किया था और सड़क बंद की थी वो बिल्कुल आगे पीछे हो रहे हैं और उनको साइड किया जा रहा है कि रास्ते को वागुजार किया जाए। अब अभी क्या मामलात हैं इस पे बात की जाएगी और पुलिस से भी इस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है, इंतज़ामिया ने क्या किया, बच्चे रो रहे हैं। आप देख सकते हो बंद है, देखो ये हर रोज पसंद करते हैं उधर से, उनकी आदत है जी, वो तो ठीक है पर वो कह रहे हैं उन्होंने काम लगाया हुआ कोई। देखो देखो मैंने 24 साल से ये जमीन खरीदी है वजीर ममन से जो मर चुका है, जिसके मेरे पास एफिडेविट मौजूद है, इसका केस चल रहा है अभी हमारे कस्टोडियम में भी और हाई कोर्ट में भी और तहसीलदार साहब के पास भी, और हर रोज इनका पथराव, जिनकी वीडियो मेरी मैं आपको भेजता हूँ, वीडियो चढ़ा दो मैंने कौन सा जुल्म किया बाजार में रहने का। क्या, जिस जगह में आप मौजूद हैं क्या इसके जितने भी कागजात हैं वो आपके पास मेरे हैं? हर डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है, जो एजेंसी जो भी बुलाएगा मुझे, तहसीलदार साहब बुलाएंगे, एसपी साहब, डीसी साहब, मैं उनको दिखा सकता हूँ, मेरे फैमिली परिवार है, मैं रहता हूँ, मुझे इस हमले हुए हो, मेरी मिसेज बच्चे हैं छोटे छोटे और मेरी ये इधर सामने हो पर्दा रुक जाए सामने हो इसके पांव पर आगे हो। अच्छा ये आपका जो परिवार है यहीं रहता है? मेरा परिवार 25 साल से, और ये इसका पांव जख्मी हो गया, हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम अपनी बदनामत के लिए पुलिस ने बोला जाओ जी फार्म भराओ, हमने नहीं भरा, इंसाफ के पास 50 एप्लीकेशन है मेरी, हम शर्म के मारे किसी के पास नहीं जाते, हम सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कोर्ट में तारीख चल रही है, कोर्ट मुझे ऑर्डर देगा आप निकल जाओ मैं हाजिर हूँ, मैं कभी इस बाजार में किसी के कहने के बगैर निकल जाऊँ। अब मैं आप सबका मेहरबानी है जो आए, इतने अरसे से मैंने आपको बुलाना था लेकिन नहीं बुलाया, आप खुद आ गए, लेकिन मुझे हर रोज पथराव हाथ जोड़ता हूँ, कल भी वही परसों हर रोज।